माँ के सामने कि आज के बाद में जहाँ भी ड्रग एडिक्ट का अड्डा होगा उसको नष्ट करने का काम हम सार गांव से शुरुआत करेंगे। मुझे ये लगता है कि ये जो घटना हैदराबाद में हुई उसके पहले दिन भी उसी जगह एक हादसा हुआ। क्या वहाँ के जो सिक्योरिटी इंचार्ज हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, आपको भी पता है, डू यू नॉट थिंक दैट दे शुड बी आंसर्ड, दे शुड बी क्वेश्चन्ड एंड दे शुड बी आस्क्ड टू गिव एन आंसर व्हाई दे वर नॉट एबल टू प्रोटेक्ट दैट एरिया, जहाँ पहले भी एक चीज एक दिन पहले हादसा हो चुका था। सर, आई थिंक दैट दीज पीपल नीड टू बी शेम्ड इन फ्रंट ऑफ द एंटायर कंट्री, पीपल हु हैव नॉट डन देयर जॉब्स प्रॉपरली, द ऑफ कोर्स द गाइस हु हैव कमिटेड द क्राइम डेफिनेटली। राइट मैम, अगर ऐसा इस तरह की चीजें कुछ कंट्रीज में होती हैं वहाँ पब्लिक इसको जस्टिस देती है। मेरा सजेशन है, आई नो इट्स अ लिटिल हार्श, बट आई थिंक दीस काइंड ऑफ पीपल नीड टू बी ब्रॉट आउट इन पब्लिक एंड लिंच्ड प्रॉपर्ली। राइट मैम, इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और सबसे ज्यादा दुखद रहा जो राज्य सरकार का रवैया रहा, एक FIR करवाने के लिए पीड़ित परिवार के पक्षों को बहुत मशक्कत करनी पड़ी, काफी कठिनाइयों से गुजरना पड़ा और राज्य के मुख्यमंत्री जी ने 3 दिन का समय लगाया एक फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की घोषणा करने के लिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, देश में बार बार दुष्कर्म और निर्मम हत्याओं की घटनाएं होती हैं और हर बार सदन इसी प्रकार चर्चा करता है, एक साथ एक आवाज में खड़ा होकर निंदा करता है और ये मांग करता है कि देश में महिलाओं का इस प्रकार से जो उनके प्रति अपराध होते हैं उन पर नियंत्रण हो। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमारी राज्य सरकारें और यहाँ तक कि केंद्र सरकार भी इस मामले में पूरी तरीके से नाकाम साबित हो रही है। हम देश की आधी आबादी को सुरक्षित और महफूज रख सकते हैं, इसमें हम सक्षम है, ये कड़ा संदेश हम नहीं दे पा रहे हैं। मैं इस सदन के माध्यम से हमारी सरकार से आग्रह करना चाहूंगी कि इस मामले को, जैसा पिनाकी मिश्रा जी ने, मेरे भाई ने कहा कि इस मामले में हमको अब की बार चुप नहीं रहना है और एक इतना कड़ा संदेश देते हुए उदाहरण स्थापित करने की आवश्यकता।